दोस्तों अभी हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि बाघ की बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं आपकी दोस्त नीलम बिष्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बड़े होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी मैं आपको किसी और से मिलवाती हूँ। वो दो पीछे हीरोइन आ रखी है, ये दोनों भांग खा रही है। वो मेरा भांग खा रही है शिवानी, वो भी था मिला। ये है अनु, अनु नहीं तो नाराज हो जाएगी यार मेरी बेस्टी। हेलो गाइस, की मेरे को पहले नहीं दिखाया इसने, जरूर अरे ये तो दिखा दे पहले। अनु ब्लॉग आना चाहिए, सब लोगों ने दिखा दिया। लगू कौन तो दोस्तों अभी अनु को ये याद आ रहा कि हम पहले पंदेरे में कपड़े धोते कपड़े धोते थे यहाँ पे धोते थे हम कपड़े। हाँ और हमारी सबसे बेस्ट मेमोरी यहीं की है ना, एक बार संडे यहाँ पे बरसात वाले दिन और हम हर संडे यहाँ पे कपड़े धोने आते थे तो दोस्तों जब हम संडे स्कूल टाइम में संडे के दिन कपड़े धोने आते थे तो ये कभी नील और सफले की नहीं आती थी। हमेशा हमेशा हम दोनों का शर्ट यूज करती थी। हाँ ये बात सच है, मैंने अपने स्कूल टाइम में कभी नील नहीं लिया होगा। हमारे रबर बैंड भी नहीं लिया और फेयर लवली भी नहीं लिया मैंने कभी, क्योंकि हमेशा मैं सियानी का यूज करती थी और जो परफ्यूम करती थी मैं नीलम का यूज करती थी। तो मैंने अपने स्कूल टाइम में काफी सेविंग करी हुई है, जो पैसे मैं अभी इनको उड़ाऊंगी। इनकी शादी के लिए अब हम ट्रिप पर नली करना नहीं, इनकी शादी के लिए मैंने वो पैसे बचा के रखे हैं। बपुआ ठीक है, मम्मी का जो घर बोल दे। नहीं नहीं इनकी शादी के लिए बचा के रखे, मतलब इनकी शादी के लिए मैं अपने कपड़े लाऊंगी। ये वो पैसे हमें नहीं देगी, खुद खर्च करेगी। हम तीनों की तीनों जा रहे हैं डाबर, हमारे गांव का टूरिस्ट प्लेस, जो इनका भी वहाँ फोटो शूट होगा। और ये दोनों कह रहे हैं कि वहाँ रील्स बनानी है, रेस्टोरेंट बहुत बड़ा रिजॉर्ट है वहाँ जाके हम अभी मैगी बनाने वाले हैं। मैगी का पैकेट निकल गया अभी, उन्हें निकलने में बहुत टाइम लगेगा। अरे अरे दोस्त हमारे सामने एक मैडम है यहाँ पे, तो अभी हम आपको अपनी मैडम से मिलवाते हैं। तो बोलिए मैडम आप क्या बोलना चाहते हो? चीची बोले। मैं यही बोलना चाहूंगी कि नीलम का जो माइक है ये बहुत ही अच्छा माइक है, ये नील का डब्बा है जो अनु हमारे यूज करती थी। आप हमारे एक मैडम से तो मिल चुके हो, आप दूसरी मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? हाय गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम तीनों काफी टाइम बाद एक साथ मिले हैं। अपनी स्माइल करा देता हूं। बोलिए मैं कबू किस पर आ जी, गंदा है ये गंदा है। बोले दी स्माइल का राज क्या बताएं, दंत क्रांति। हम आपको 4:30 का व्यू दिखाते हैं यहाँ से कि कैसा है यार। चलो बहुत ही प्यारा, वहाँ तो बहुत ठंड है। तो दोस्तों जो आपको वाइट वाइट चोटी दिख रही है हम उसके नीचे जाएंगे। तो फिलहाल अभी आज हमारे गांव के लिए रोड है ये जो मेरा के लिए जा रही है, लेकिन अभी इस पे ये तोलो डाड़ा से कनेक्ट होगी, लेकिन हमें भी नहीं पता बाकी कहाँ जा रही है। पर एक दो साल से वो आली दी बागार ऑन भी अच्छा। हाँ भाई टाइम से निकलना है। इन पत्थरों के लिए हम ये हाथी घोड़ा बोलते हैं। हाँ। और बचपन में हम यहाँ पे घर घर खेलते थे, यहाँ मैं घर घर खेली। तो एक दिन मैं और अन्नू घर घर खेल रहे थे और हम दोनों साड़ी लगा रहे थे और पीछे से लंगूर आए और अन्नू जोर जोर से रोने लग गई, लेकिन ये नहीं थी उस टाइम पे। कहाँ से आते हैं लोग? नहीं ये अपनी साड़ी लगा रही थी। बन रही है रील्स अनु के फोन में, तो आप यहाँ से देख सकते हो हम तीनों कैसे लग रहे हैं। चले ऑन कर ले, बटन लग रही है इसलिए हम डांस कर रहे हैं। कर दो ठीक है। हाँ यार आजकल बाघ लग रहे हैं, जो भी करना है जल्दी करें जल्दी से। अब ये दोनों देख रहे हैं वीडियो, आपको नहीं खाते हैं सॉरी। हम यहाँ डाबर के फील्ड में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अभी बनेगी और रील और अन्नु तो व्यू दिखा आगे आगे से। शिवानी परेशान हो रही है तो यहाँ का व्यू क्यों नहीं दिखा रही। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ओए आ जाओ ये
रुक जा क्योंकि लोग देखेंगे और अन्न पे जल्द ही भूत आने वाला है इसकी भूत की कंडी सलीम की गली अनारकली डिस्को चली पूरे से हाथ फोड़नी है सनसेट सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। यहाँ से जो लास्ट चोटी दिख रही है वो है दीवा डांड की, जो कि वहाँ हम जाएंगे 1 जनवरी को। Yes, तो मिलते हैं आपको जल्द ही 1 जनवरी को। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों अभी हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि बाघ की बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है। दोस्तों अभी अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए छुपड़ छुपड़ कैसे दोस्तों अभी हम वहाँ फील्ड में खड़े थे तो वहाँ बहुत तेज बाघ की आवाज आई, तो अभी हम वहाँ से बहुत ज्यादा तेज बाघ के आए हैं। और हमारे गांव की 3 लड़के आए थे तो वो रोड से उधर चले गए हैं, तो अभी हम जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि आजकल बाघ सब्जी के आर्क है, तो अभी हम आपको घर पहुंच के मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम डाबर से आ चुके हैं और वहाँ हमें पता नहीं था कि वहाँ बाघ होगा। वैसे तो मेरे जो उल्टे हो गए सियानी कह रही है उसके फेफड़े उल्टे हो गए, तो जो पास के गांव है कहीं बाघ आया था। बाघ का निकाला हम पता नहीं, बाघ ने बहुत लोगों पे पहले बाघ मतलब पहली बार देखा मैंने बाघ को सामने, है ना, हालत खराब हो गई। दौड़ियों अभी हम भाग भागी को बटा गयो अज्जुगड़े में अभी धक 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 हूँ मैं, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा खेरा गया हमें पता ये सबसे पिछनी रह गया ना, सबसे पिछनी चाहिए बाघ को सामने, क्योंकि मैं बहुत पहली बार हमने मौत को सामने से देखा, बहुत मोटा रह गया दिल्ली जाए। अरे बाघ हमारे गांव में बाघ आ गया, झगड़े को पता चल तुमता सारे अभी वो बाघ या माल और हम यहां से जगह घूमने का आ गया। हां यार मेरा पूरा हाथ चुड़ड़ेगी यूल वाले के घूमने जा रहे हो तुम लोग। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम तीनों खाना खा के आ चुके हैं। ओ भाई साहब इसे तो कोरोना से बच के रहना गाइस, खांसी हो गई है और खांस ऐसे रही है, मुंह ऐसे हाथ भी नहीं लगा रही। हां बिल्कुल तमीज नहीं है भाई, तमीज से खांसी जा रही अभी बढ़नी पे खराब हुई कब चले टोबले तो बहुत निकाल बहुत दोपहर हेल्थ लूट टोबला सर अजय में बटम डाउन बटा रहा हूं बड़े टोबला पहन रही हूं। ओ भाई मैं पटाके चलाने कुछ बना तेरा सीधा तो बोल चल तू भी बोल। गुड नाइट गाइस स्वीट ड्रीम्स। हाँ तो दोस्तों आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय।